शुक्रवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों को जिस तरह की सलाह दी उससे ये साफ हो गया है कि नोटबंदी से उपजे माहौल के बीच बीजेपी अब चुनावी मोड में आ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में तमाम पार्टी सांसदों ने नोटबंदी के फैसले को भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा और बेहतरीन कदम करार दिया। जनता की दिक्कतों को लेकर हुई चर्चा में राय बनी कि विपक्ष मुद्दे को भटकाने में लगा है और नोटबंदी पर जनता सरकार के फैसले के साथ है। पीएम ने सांसदों से कहा कि वो नोटबंदी से जुड़े फायदों पर अब जनता से सीधा संवाद करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से निवेदन किया, ऐलान किया, डिजिटल इकोनॉमी ये एक वे ऑफ लाइफ होना चाहिए, एक जीवन शैली बनना चाहिए। एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाया प्रधानमंत्री ने, पूरा देशवासी से खुश है। उनका नियत के बारे में किसी का मन में संदेह नहीं है और जो पद्धति है उन्होंने अपनाया, नहीं तो जो अरेंजमेंट्स के बारे में, व्यवस्था के बारे में कोई सवाल उठा सकते हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए सरकार तैयार था, मगर वो लोग चर्चा नहीं कर पाया, वो दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। 20 दिन बिना चर्चा हंगामा करके उन्होंने सदन को नहीं चलने दिया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी दोनों सदनों में हंगामे का दौर जारी रहा। राज्यसभा को फौरन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने मत विभाजन वाले नियम के तहत नोटबंदी पर चर्चा कराने की मांग की। वहीं सरकार ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घूसकांड का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। यानी संसद का शीतकालीन सत्र नोटबंदी पर हंगामे की भेंट चढ़कर 200 करोड़ से ज्यादा की बर्बादी कर गया। विपक्ष आरोप लगाता रह गया कि सरकार के अड़ियल रुख से संसद नहीं चल पाई। इसको सरकार जिम्मेदार है, रूलिंग पार्टी जिम्मेदार है। कहीं किसी देश में ऐसा नहीं होता जो रूलिंग पार्टी के लोग ही गड़बड़ करे, वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है और उनकी पोल खुल जाएगी ये समझकर उन्होंने चर्चा के लिए सम्मति नहीं। इधर सरकार ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 25 दिसंबर से लकी ड्रॉ योजना का ऐलान किया है। अगले साल 13 अप्रैल तक चलने वाली इस योजना के तहत 7,000 लोगों को 1,00,000, 10,000 और 5,000 रुपए के साप्ताहिक पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अलावा 14 अप्रैल 2017 को मेगा अवार्ड का ऐलान किया जाएगा जिसमें पहला 1 करोड़, दूसरा 50,00,000 और तीसरा 25,00,000 रुपए का है। सवाल है कि नोटबंदी पर लाइन में लगी जनता की तकलीफ सुर्खियां ना बन सके, कहीं इसलिए लोगों के लिए ये लकी ड्रॉ का लॉलीपॉप तो नहीं? गौर करने वाली बात है कि सब कुछ चुनावी मौसम में हो रहा है, इसलिए सरकार और विपक्ष दोनों का फैसला जनता ही सुनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।